हेलो एवरीवन स्वागत है आपका मेंस डे में जहां पर हम रोज एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अप्रोच समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर करना है आज का सवाल सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़ा है सवाल है डू यू बिलीव दैट द बैलेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स टिल्टेड टूवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम एनालाइज देखिए जब भी हम किसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स अप्लाई होना चाहिए आमतौर पे तीन ही पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट माने जाते हैं एक होता है एग्जीक्यूटिव दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी इन सबको अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शन डिफाइन करके दिए जाते हैं और ये इंश्योर करने के लिए कि आपस में इंटरफेरेंस ना हो इन्हें किसी प्रकार के सेफ प्रोवाइड किए जाते हैं अब हर संविधान में डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल फॉलो होता है उसमें प्रावधान होते हैं टू मेक देयर इंडिपेंडेंस अ वेरी प्रोमिनेंट पोजिशन लेकिन भारत के संविधान में हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कि हम कई दफ़ा देखते हैं कई बार ऐसा देखते हैं कि एग्जेकटिव लेजिसलेचर वाले काम कर सकता है इन टर्न लेजिस्लेचर लेजिस, एग्जटिव वाले काम कर सकता है जुडिशरी एग्जीक्यटिव वाले काम करती है कई बार और कई बार एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिसलेचर जुडिशरी वाले काम करते हैं ऐसा मिक्सचर देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं आंसर में डिस्कस करूंगा सो so, इसका मतलब हमारी कंट्री में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल नहीं फॉलो होता है हमारी कंट्री में फॉलो होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल जिससे हर पिलर ऑफ गवर्नमेंट दूसरे पे नजर रख सकता है आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बताएं कि हमारे संविधान में और हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल नहीं चेक्स और बैलेंसेस का प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉडल है सेपरेशन ऑफ पावर्स का वो सुई जेनरिस है सुई जेनरिस मतलब यूनिक इन इट अपने आप में एक यूनिक प्रिंसिपल है तो इसीलिए इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप बता सकते हो कि हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं विच टॉक डायरेक्टली अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो वहां से हमें पता चलता है कि आर्टिकल 50 पुट्स ऑब्लिगेशन ट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग रखना है कि लेजिसलेचर के अंदर किसी जज का कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता है इंपीचमेंट का प्रोसेस उनके रिमूवल का प्रोसेस ना चल रहा हो सिमिलरली आर्टिकल टू यह कहता है कि जुडिशरी भी पार्लियामेंट के अंदर के कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रोसीडिंग्स uh, जो होती हैं उसको जुडिशली इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है इंटरवीन नहीं कर सकता है उसमें जजमेंट नहीं सुना सकता है देर कैन बी अदर आर्टिकल्स लाइक दिस विच यू कैन डिस्कस एज वेल फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल वन हंड्रेड फाइव के तहत जो पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेस हैं दे ऑल्सो एंश्योर दैट जुडिशरी डज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इंटरनल टू द पार्लियामेंट अब अगर हमने ऐसे प्रिंसिपल्स रखे तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि क्या हम एड्रेस कर सकते हैं ये कंसर्न कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर्स हैं जो ये बैलेंस या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर्स का क्या एग्जीक्यूटिव के पास बाकी दो के मुकाबले ज्यादा पावर्स हैं उसको जस्टिफाई करते हुए तीन चार पॉइंट हमारे पास हैं कैसे नंबर वन हमने एग्जीक्यूटिव को ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी हुई आर्टिकल 123 और 213 के तहत इंडिया या कंट्री के प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं इन सर्टन सर्कमस्टांसिस जहां पे लेजिस्लेचर काम ना कर रहा हो इसका मतलब लेजिस्लेटिव का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव कर पा रहा है नंबर वन सेकेंड प्रेजिडेंट और गवर्नर के ही मामले में उन्हें इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स पिछले दिनों ये न्यूज में भी रहा जब बंगाल के गवर्नर आनंद मोहन बोस के खिलाफ एक एलिगेशन लगा कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है उन्होंने तो इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स ठीक है एक्चुअली इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स इज ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स एग्जीक्यूटिव अ बिट मोर पावरफुल एज कंपेयर टू अदर्स आगे हम इसको काउंटर आर्ग्यू भी करेंगे तीसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको पता है कि जब भी कोई कानून बनता है लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाती है लेकिन उस कानून के अंदर जो रूल्स होते हैं नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं वो एग्जेक्यूटिव विंग के थ्रू किए जाते हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है इसके तहत बहुत सारे रूल्स जो निकाले जाते हैं अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहते हैं चौथा पॉइंट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के पास लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द अपील्स विद द जुडिशरी आप जा सकते हैं और पार्डन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ट्राइब्यूनल की जो सर्विस कंडीशन होती हैं कई बार वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल वर्क अंडर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज इसका मतलब एक कॉजी जुडिशल बॉडी जो कि जिसके ऊपर कंट्रोल ज्यादातर एग्जीक्यूटिव का होता है और इसको लेके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में खींचातानी रहती है एमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें एमरजेंसी प्रोविजंस के दौरान खासतौर पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान ऐसा किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है दैट अगेन गिव्स मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव हैविंग सेट दैट इन आर कंट्री इट इज नॉट दैट only executive has all the powers we have tried to create a system of checks and balances how we have the concept of judicial review whatever law whatever policy decision is taken by the executive it can be checked by judicial review एंड इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स देन इट कैन बी सेड टू हैव बीन इन्वेलीडेटेड इसको इन्वेलीडेट किया जा सकता है जैसे जब कोशिश की गई बाय द पार्लियामेंट और बाय द एग्जीक्यूटिव कि हम एक तरह से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के सिस्टम को पूरी तरह बदल दे और एनजैक के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के थ्रू जजमेंट्स जजेस की अपॉइंटमेंट करे तो उसे खारिज कर दिया गया तो इसका मतलब कोर्ट भी अपने आप में बहुत पावरफुल है एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर नहीं है अदालत के पास भी काफ़ी पावर है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जजमेंट दे सकता है और वो जजमेंट एप्लीकेबल होगी पूरे देश के अंदर जस्ट लाइक अ लॉ इज एप्लीकेबल मेड बाय द पार्लियामेंट अगेन पावर ऑफ सिस्टम भी एग्जांपल है पावर ऑफ जुडिशरी की सेम वे जैसा कि मैंने जुडिशरी की पावर्स को डिस्कस किया नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स में आप लेजिस्लेचर की पावर्स को डिस्कस कर सकते हो इनफैक्ट आप सब हेडिंग दो बना सकते हो हाउ जुडिशरी इज आल्सो वेरी पावरफुल हाउ लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेज इट्स पावर तो इसीलिए चेक्स और बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो आप जस्टिफाई कर पाओगे क्योंकि अल्टीमेटली आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की जो प्रक्रिया है और जो उनका एक्मेन है उसको क्वेश्चन ही करने वाले हो नेवर रेज क्वेश्चन इन योर आंसर रिलेटेड टू द एक्मैन ऑफ पीपल हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसीलिए आप ये बताओगे कि पार्लियामेंट के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो एग्जीक्यूटिव समाप्त हो जाता है पार्लियामेंट के प्रविलेजेस हैं और इस प्रिवलेजेस के लिए अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाता है या कंटेम ऑफ द हाउस हो जाता है तो उसको पनिश करने की इजाजत भी पार्लियामेंट के पास है इनफैक्ट कई केसेस में व्यक्तियों को पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया जाता है या कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट के बाहर का हो तो उसे सजा भी सुनाई जाती है जेल की ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर आ गई आती है फ्रॉम प्रिविलेज बजेटरी प्रोसेस अगर देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की है दैट आर्टिकल 112 के तहत वो बजट प्रस्तुत करवाएंगे और बजट पास भी तभी, तभी होगा जब पार्लियामेंट उस पर अप्रूवल लगाएगी सेम गोज फॉर इम्पीचमेंट प्रोसेस एज वेल अगर जजेस को रिमूव करना है और अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है दोनों संदर्भ में ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर के पास है इसका मतलब क्या हुआ

एग्जाम्पल के तौर पे जब फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर को अनलिमिटेड करने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया इन नाइनटीन एटीज मिनरवा मिल्स केस तो इस तरीके से आप यह बता सकते हो कि ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के पास सारी पावर्स है प्लीज राइट इन द कंक्लूजन ठीक है दैट instead ऑफ being tilted towards the executive वी हैव अ formidable सिस्टम ऑफ चेक्स एंड balances ठीक है तो ये चीज़ आप बताओगे तो आपका आंसर बढ़िया से बन जाएगा अगर इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट्स के आंसर्स को लिख के लाइव आंसर राइटिंग सेशन के दौरान डिस्कस करने के बाद इवेलुएट करवाना चाहते हो और वन इज टू तो वन मेंटोरशिप सेशन को एक्सेस करना चाहते हो विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज या मेरे साथ मेंस कि सारे के सारे डिस्कशंस करना चाहते हो किस तरीके से मेंस को अप्रोच किया जाए साल 2025 के लिए तो आप लोगों के लिए 50 डेज इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं इसमें आप 100 क्वेश्चन लिखेंगे वन हंड्रेड क्वेश्चन अलॉन्ग विद इवेलुएशन देर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ सेशन फैकल्टीज इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मास्टरी हासिल करनी है जिससे आपका 50 टू 60 परसेंट ऑफ द सिलेबस कवरेज ऑफ जीएस हो जाएगा आप उसे कर सकते हैं जनरल स्टडीज के हमारे पीवाईक्यू कोर्स में जहां पे सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम वाइज डिस्कस होंगे ताकि जब आप उनको अटेम्प्ट करें पढ़ के आए अटेम्प्ट करें और साथ ही साथ उसकी अप्रोच भी पता लगे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच किस प्रकार से की जा सकती है ठीक है तो यदि आप चाहते हैं इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगली बार तक के लिए नमस्कार और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए